एनआरसी को लेकर के 19 लाख जिंदगियों को रातों रात बेघर कर दिया गया, ये कहते हुए कि वो विदेशी हैं। एनआरसी को लेकर के तमाम फ़ोन कॉल भी मेरे पास आ रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो इससे किस तरीके से बच सकते हैं। एक डर का माहौल पूरी तरीके से एनआरसी को लेकर के लगातार लोगों के दिलों में बना हुआ है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट फरहान मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानेंगे। सर, जो एनआरसी को लेकर के एक हुआ बनाने की कोशिश की गई और लोगों के दिलों में डर है कि वो किस तरीके से इससे बच सकते हैं, मैं जो जानना चाहूँगा एनआरसी असल में है क्या? देखिए, एनआरसी जो है बेसिकली पूरे देश में दो चीज़ आई थी, एक तो एनपीआर था और एक एनआरसी। एनआरसी वो एक्सक्लूसिवली फॉर आसाम, पूरे तरीके से वो आसाम के लिए था, और एनपीआर जो था वो एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर था जो पूरे देश के लिए था। आसाम की बात करें तो 1826 में जब अहोम जो रूलर था उसकी जब डायनेस्टी एंड हुई, तो उस समय जो है एक यंदाबू ट्रीटी हुई बंगाल प्रोविंस के साथ, जिसमें जो है कहा गया कि जो आसाम है वो अब बंगाल प्रोविंस का एक हिस्सा रहेगा। और जब बंगाल प्रोविंस का वो हिस्सा हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जो बंगाल के लोग थे, क्योंकि वो आसाम की जो लैंड थी वो कल्टीवेटेड लैंड थी, तो उसमें जो है बंगाल के कई सारे लोग जो है आसाम में आने लग गए, इनहेबिटेंट की तरह बहुत सारे लोग शिफ्ट हुए आने लग गए। तो वहाँ के जो आसाम के जो मूल निवासी थे उन लोग को प्रॉब्लम्स होने लग गए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जो आप आएंगे और उनका जो धंधा है और सब चीज़ें को एक्वायर करने लग गए। तो वहाँ के लोगों को हमेशा से एक जो है एक ये फैक्टर था कि हमारे जो लैंड है वो बाहर के लोग आके जो है कब्जा कर रहे हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय 19 जुलाई 1948 जो है एक बेसलाइन तय की गई, जिस बेसलाइन के तहत ये कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के बाद उससे पहले लोग जो आए हैं दे विल बी कंसीडर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड आफ्टर दैट अगर जो लोग आएंगे उनको कहा गया कि वो लोग जो है यहाँ पर 6 महीने रहेंगे और वो एक जो ऑफिसर इंचार्ज रहेगा उसको कॉन्टैक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे जो है उनको यहाँ की सिटीजनशिप दी जाएगी। इस मुद्दे को आसाम ने जो है बहुत गहराई से लिया और आसाम के लोगों ने कहा कि इसको पूरी तरीके से हमारे स्टेट में लागू करना चाहिए। उसके तहत जो है 1950 में आसाम इमिग्रेशन आसाम सिटीजन एक्सपल्शन एक्ट 1950 वो लागू किया गया, और 1951 में पहली जो है आसाम की एनआरसी लिस्ट तैयार हुई, जिस उसमें वहाँ के जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं उनको वहाँ इंक्लूड किया गया, और वो एक जो 1951 का जो एक एनआरसी थी वो दैट वाज़ दी फाइनल लिस्ट बेसिकली उस ज़माने की, वो तैयार की गई। उसके बाद वो लिस्ट चली आ रही थी, लेकिन क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का एक झगड़ा था हमेशा से, उस समय तो 1971 में बांग्लादेश बनाया, उससे पहले तो वो ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का एक बहुत हमेशा से एक जो है आपस में असमंजस रहा है, और जो है क्योंकि वहाँ के लोगों को वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी लगती थी तो वो जो है वहाँ से इंडिया की तरफ जो है प्लान करते थे, और वो आसाम बेसिकली क्योंकि मैं जैसे आपको बताया वो कल्टीवेटेड एरिया था, अच्छा एरिया था, वहाँ पर टी वगैरह जो आपको पता ही है बहुत अच्छी वहाँ की लैंड थी, तो उसके लिए वो लोग वहाँ पर आए और इस तरीके से जो है वहाँ पर वो लोग आते रहे। तो इसलिए जो है एक्सपेंशन एक्ट जो है पहली बार लाया गया और 1951 में पहली एनआरसी बनाई गई। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए, 1980 में पहली बार आसाम यूनियन ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन आसू करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी बहुत एक्टिव है, जो एनआरसी के मुद्दों पे बोल रही है, उन्होंने जो है वो फॉर्म हुई और उन्होंने एक पीएम को एक अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। उस रिप्रेजेंटेशन के तहत ये कहा कि हमें जो है हमारे स्टेट में जो है बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए हैं, आप इस पर कुछ ना कुछ इशू फ्रेम करें। तो 1983 में जहाँ तक मुझे याद है फॉरेन एक ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया गया वहाँ पर उसके लिए लोकल, उसी आसाम के लिए, फॉर नॉट फॉर गुवाहाटी एंड अदर, सिर्फ आसाम के लिए, आसाम के लिए एक ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया गया, उसमें एक ट्रिब्यूनल फॉर्म की गई और उसमें कहा गया कि जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वहाँ पर उनका वहाँ ट्रायल होगा और उसके बेसिस पे उनको प्रूफ किया जाएगा कि वेदर दे आर द इनहेबिटेंट ऑफ आसाम और नॉट, वो ट्रायल किया गया। उसके बाद 1985 में एक 15 अगस्त 1985 में आसू और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक आसाम एकॉर्ड साइन हुआ। उस आसाम एकॉर्ड के तहत ये हुआ
कि जो जो आंसू के लोग मेंबर्स थे, जो उस समय एजिटेशन में जिनको जिनके ऊपर कोई पुलिस चार्ज लगा था या कोई ऐसा क्रिमिनल केसेस चल रहे थे कि उनको विड्रॉ किया जाएगा, और जिनकी वहाँ पर डेथ हुई है उस एजिटेशन में, उनको जो है कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ एक और अकाउंट बना कि आप यहाँ के लिए जो है एक कुछ और भी कुछ यहाँ पर काम करें। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक अमेंडमेंट आया गया 1985 में, उसमें जो है आर्टिकल 6A इंसर्ट किया गया, और उसमें बोला कि 1966 से लेके 1971 तक जितने भी लोग यहाँ पर NRC में आए हैं इनका नाम डिलीट किया जाए, जिसको जो है एक मुद्दा बना। और वो मुद्दा गर्म हुआ क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहाँ से नाम डिलीट होने लग गए, जिसके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला, और जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनकी रंजन गोगोई साहब की बेंच थी, और उन्होंने जो है कहा कि आप असम का जो NRC है उसको अपडेट करिए। तो ये बेसिकली, और अपडेट करने के बाद आपको पता ही है 49 लाख लास्ट टाइम जो अपडेशन हुआ था उसमें 49 लाख लोग आए थे, और आफ्टर डैट जो है वो बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज नॉट अ फाइनल लिस्ट, देन फाइनल लिस्ट केम आई थिंक अभी जो जल्दी आई है उसमें कहा है कि 19 लाख है। लेकिन अब ये मुद्दा ये बनता है बेसिकली क्योंकि एक आवाम में एक ऐसा गर्मा गर्मी है, और ऐसा लग रहा है क्योंकि एक ये माइनॉरिटी को एक हमेशा से डर रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट में है या ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट बेसिकली हवा बनाती है कोई भी चीज़ का, उनको लगता है कि हाँ इसको जो है वो चीज़ें पहले से थी यहाँ पर, लेकिन जो है क्योंकि 2003 में जब बेसिकली पहली बार पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी, तो उस समय डिबेट में कहा गया था कि 1.5 करोड़ लोग जो हैं इस देश में जो है इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिसमें से 50 लाख जो हैं सिर्फ आसाम में हैं, ये उस समय बहस थी। तो उस समय जब कहा गया, अब ये जो 19 लाख जब 41 लाख की जो लिस्ट आई है उसमें लोगों को शायद पता ना हो फैक्ट के बारे में कि उसमें से जो 22 लाख थे वो तो जान नॉन मुस्लिम्स थे, और अभी जो फाइनल लिस्ट आई है 19 लाख में उसमें जो है सिर्फ 3.5 लाख जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। और इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें बेसिकली जो लोग 3.5 लाख जो लोग रह गए हैं वो बेसिकली वो किसी तरह से लापरवाही, और जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग थे जिनको ऐसा लग रहा था कि हमारा नाम तो आ ही जाएगा, जैसे फखरुद्दीन अली अहमद साहब की जो उनकी जो फैमिली थी और भी जो कई आर्मी ऑफिसर, उनको लगा कि हमारा नाम तो हटेगा ही नहीं, हमारा नाम तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन बेसिकली उनकी लापरवाही की वजह से बेसिकली वो रह गया। NRC के इसमें देखा गया है कि जो 19 लाख लोगों में से 16 लाख हिंदू हैं और 3.5 लाख जो हैं वो मुस्लिम हैं। मुस्लिमों में भी आपने जैसे पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिया, उनकी पूरी फैमिली है, सनाउल्ला शेख, कईयों की पीढ़ी जो है लगातार सेना में बनी हुई है, एक भाई का नाम NRC की लिस्ट में है, 2 का गायब, कहीं ना कहीं जो लिस्ट जारी की गई है कोई झोल नहीं दिखाई दे रहा। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये गवर्नमेंट के साथ एक ही प्रॉब्लम रही है कि इसमें जो है हमेशा से गवर्नमेंट कोई भी चीज़ लेके आती है तो वो अनप्रिपेयर्ड होती है। जैसे कि आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन लेके आई, बड़ा अनप्रिपेयर्ड प्लान था, ऑल ऑफ अ सडन आवर प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड कि आज से नोट बंद हो जाएंगे। उसके बाद फिर GST लेके आई, अनप्रिपेयर्ड था। उसके बाद 370 लेके आई, आपको पता है अभी करंट टर्मोलेशन किस तरीके का है, उसको तरीके से सुलझाया जा सकता था। लेकिन अब आप जब इस टाइप की चीज़ें लेके आए और ऑल ऑफ अ सडन आपने NRC बात की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्वियसली ऑर्डर था, लेकिन आप उसको एक प्रॉपर तरीके से लाइन ऑफ एक्शन तैयार करते, उसमें जो लोग बेसिकली, अब प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि NRC अपडेट करने में कि आपको एक पार्टिकुलर ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, उसमें सब डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, स्टेट लिस्ट होती है और उसमें एक ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते हैं, और उसमें कहा जाता है कि आपको सो एंड सो डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू प्रोवाइड टू प्रूव योर सिटीजनशिप और टू यू इनहैबिटेंट और सिटीजनशिप इन दिस एरिया। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग ओवर देयर, दे आर बेसिकली लेबरर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड सम अदर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, तो दे आर नॉट कैरिंग देयर पेपर्स। सो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई है कि गवर्नमेंट शुड हैव बेसिकली इन्फॉर्म देम प्रॉपरली, और दे हैव टेकन दी उनको एक प्रॉपर तरीके से एक NGO या सोशल एक बना देना चाहिए था जिसके तहत उनको इस तरह से काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बड़ा अनप्रिपेयर्ड तरीके से काम किया। और जो लोगों के अंदर डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नाम भी हट जाए, और जिनका नाम हट चुका है वो ऑब्वियसली डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए देखिए अब अभी तो इट इज़ वेरी, अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी बहुत स्टार्टिंग है, लेकिन उसके लिए अभी तरीका है क्योंकि वो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट वहाँ पर है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट में आपका केस चलता है, इसका ट्रायल कोर्ट वहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं, एविडेंस होते हैं, सब होता है, उसके अगर वहाँ पर भी आपको रिलीफ नहीं मिलता देन यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट, डिवीजन में भी आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग, बट द थिंग इज दैट दिस होल प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग।
जो आपको करने के लिए, जो आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है इतना आना, तो उसके लिए गवर्नमेंट को ही कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसका जो टेक्निकल फॉल्ट है या जिसका किसी कारण जो है वहाँ पर जो है उनका एनरोल में नहीं आ पाया है नाम, उनको कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। अभी आई वॉज टॉकिंग टू समबडी, तो देवर सजेस्टिंग मी दैट दे आर प्रिपेयरिंग सम टीम, वो एक टीम तैयार कर रहे हैं जिसके तहत वो जो है आसाम जाएंगे और आसाम में जो है उन लोगों को वो सर्च करेंगे जो कि जो है जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया था, और उनको उनसे अथॉरिटी से बात की जाएगी कि इनके कौन से पेपर्स इनके लिए जो है बाकी रह गए हैं जिनकी वजह से इनको कंसीडर नहीं किया गया। अब जैसे इट्स अ वेरी फेमस एग्जांपल, फखरुद्दीन अली अहमद साहब का नाम है और भी बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो और सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो 2.5 लाख और 3 लाख लोग ऐसे हैं जो बेसिकली वो बीजेपी डोमिनेटेड एरिया से हैं और उनका पूरों का नाम नहीं है पूरी लिस्ट सबका। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि ये गवर्नमेंट है, और ये ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट से बेसिकली घबराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट इज़ डूइंग देयर जॉब और इट इज़ डूइंग, दे आर डूइंग इट एज़ पर दी एक्ट, एक्ट के तहत ही काम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ही काम हो रहा है, इसमें घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि भाई जिसका नाम निकल गया है और जो दे आर नॉट एबल टू प्रूव देयर सिटीजनशिप एक्ट, तो ऑब्वियसली दे हैड टू वरी, एंड आई थिंक गवर्नमेंट विल कम अप विद सर्टेन थिंग्स, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू इंसर्ट सम प्रोविजन ऑल्सो कि जिनका नाम वहाँ पर नहीं आया है उसके लिए एक ये भी ऑप्शन है कि आफ्टर दे कॉन्टैक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दैट एरिया, सो इफ़ दे आर एबल टू रजिस्टर देमसेल्फ एंड दे आर स्टेइंग देयर फॉर 5 to 6 years और 10 years, देन दे विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। सो दीज आर द थिंग्स बेसिकली विच वी हैड टू सी। एक आखिरी सवाल फरहान आपसे यही होगा कि कुछ बीजेपी के नेता भी ये कहते हुए आ रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता वहाँ के रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू हैं वो शरणार्थी हैं और बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान वो घुसपैठी हैं, कहीं ना कहीं एनआरसी के नाम पर सिर्फ सियासत चमकाने की कोशिश नहीं हो रही है? देखिए अब वो तो उस पर तो मैं क्या कहूँगा, वो बड़ी प्रीपोस्टरस स्टेटमेंट है कि इस टाइप की बातें वो कह रहे हैं, और बींग इन अ गवर्नमेंट दे शुड नॉट मेक सच स्टेटमेंट, उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस तरह की बातें कहेंगी तो ऑब्वियसली जो उसके जो इस लोग हैं इस देश के वो डरेंगे और इस टाइप की बातें होंगी उड़ेंगी कि उन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये जो गवर्नमेंट है हमारा ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। तो ये जो बेसिकली जो अब नेता हैं जो उनका काम ही है बेसिकली दे हैव टू से समथिंग्स, बट ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश का कोई आदमी आएगा इंडिया में और उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी भले ही वो हिंदू हो, ऐसा नहीं है। जो एक प्रॉपर रूल्स हैं उसी के हिसाब से उसको फॉलो अप होगा। और मैंने अभी रिसेंटली एक केस भी देखा था जिसमें एक नॉन मुस्लिम्स जो है बच्चा आया था यहाँ इंडिया में और वो एक पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट उसने बनाया और वो यहाँ रह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उसके मोबाइल में जो है बांग्लादेश पासपोर्ट का जो है फ़ोटो था जो कि गवर्नमेंट ने उसको वो जो ऑफिशियल्स उनको पकड़ा और उसको जेल भेज दिया। तो वो नॉन मुस्लिम था, वो जेल में है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही एट्रोसिटीज़ हैं। और ये तो एक देखिए नेताओं का तो काम है कहना, उसके तो मैं आई कैन नॉट कमेंट बेसिकली, बट स्टिल आई वुड से कि हाँ एज़ पर द रूल्स जो भी सहूलियत दी जाएगी और वहाँ के जो लोकल कोर्ट्स होंगी जो लोकल लॉयर्स हैं दे आई एम श्योर कि वो लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, और इस पर हम लोग भी देखते हैं कोई टीम अगर बना के हमसे हो पाएगा हम वहाँ विजिट करेंगे और देखेंगे जो भी है अगर कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो। एक आखिरी बात यही होगी, तमाम फ़ोन कॉल मेरे पास आ रहे हैं जिन लोगों के नाम लिस्ट से गायब हो चुके हैं वो सिर्फ सीधा यही सोच रहे हैं कि अब आत्महत्या के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, इन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए जितने भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं बेसिकली अब आपके पास आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दे हैव सम होप, आपके से कुछ होप होगी उसी के होप के लिए आ रहे होंगे, तो मैं तो उनको यही सजेशन दूंगा कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इतनी जल्दी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा नाम नहीं भी आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली आपके वोटिंग राइट्स बेसिकली आपको नहीं दिए जाएंगे, बाकी जो है आपको ऐसा नहीं है कि आपको वो डिटेंशन कैंप में डाल देंगे अभी, बिकॉज 19 लाख लोगों को अलग किया गया है तो उनको इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू बिल्ड सम काइंड ऑफ डिटेंशन कैम्प कि जिसमें 19 लाख लोगों को भरा जाए, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए बेसिकली यही है कि आप प्रॉपरली अपनी नॉर्मली जीवन जी सकते हैं लेकिन आपको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा, और जो कि आई थिंक कुछ गवर्नमेंट को ऐसा रूल लेके आएगी कि आप यहाँ पर 10 साल रहेंगे या 5 साल रहेंगे या 6 महीने रहेंगे उसके बाद आप एक प्रॉपर तरीके से अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंडिया में मिल सकती है,
तरीके हैं कई सारे जो आई थिंक आप लोग भी एक सजेशन दे सकते हैं कि जितने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं यू ऑल्सो मेंटेन सम काइंड ऑफ डाटा सो डैट इफ़ वी मेक अ टीम एंड गो टू आसाम एंड विजिट आसाम वी कैन टॉक टू देम एंड वी कैन आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स दैट इज़ वॉट वी कैन डू एट दिस स्टेज। तो एडवोकेट फरहान हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बारीकी से बताया कि एनआरसी पर जो सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है और जो पेश किया जा रहा है हवा की तरह, आप संयम से अपने फॉर्म को फ्लिप कीजिए और जो भी आगे रास्ता निकलेगा वो निकाला जाएगा, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।